अरे ये सब क्या हो रहा है जी हमारे जमीन पर? ये कर क्या रहे हैं आप लोग हमारी जमीन पर बैठ के? ये कार ढंड कमांडो फैला रखे हैं आप लोग? चुप रहिए, ये देवी का अवतार है, इनके पेट में मत्स्य अवतार पल रहे हैं, और आप अगर इसका विरोध करेंगे तो आप दंड के भागीदारी होंगे। अच्छा, हम दंड के अधिकारी होंगे? ये सारा ढंड कमंडल आप लोग फैलाएंगे और दंड के अधिकारी हम होंगे? ये सब ढकोसला बंद करिए सरपंच जी, हमारे सामने आपका ही ढकोसला चलेगा नहीं। अरे कोई मत्स्य अवतार नहीं पल रहा है इसके पेट में, बीमारी पल रही है, बीमारी, इलाज कराइए, दवा कराइए, इसका हद है। अरे हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, गवार नहीं है कि आप हमको जो कहेंगे हम मान लेंगे। बेवकूफ नहीं बना सकते हमको, इन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। अरे काहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? देखिए सरपंच जी, समझिए इस बात को, स्कूल खुलेगा तो बच्चों का भविष्य सुंदर होगा, क्योंकि वही बच्चे कल के इस देश के भविष्य होंगे। ये सब ढकोसला फैला के ये सब मत करिए। और एक बात सुना देता हूं, आप हमारी जमीन ले नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कहे कि थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, और आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है कि लड़के ले लेंगे आप, हम इसे होने नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं, क्या जोन कहेंगे हम सम्मान लेंगे? हमारी जमीन है हमारी, आपका एक को चलने नहीं देंगे हम, ये सब आपका ढंड कमंडल उखड़वा के फेंकवा देंगे हम, जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन हम इस जमीन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा एक सपना है कि यहां के बच्चे पढ़े लिखे, अपना नाम रोशन करें, इस गांव का नाम रोशन करें। और आप ढंड कमंडल लेके बैठे हैं, देखिए हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने, बंद करिए सब नौटंकी, बंद करिए सब ड्रामा, और ले जाइए इसको डॉक्टर के यहां दिखाइए, हद कर रखे हैं आप लोग, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को अगर हमारी जमीन पर कुछ भी किया आप लोगों ने तो, बता देता हूं।